बुधवार को छात्र संगठन SFI ने प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने या फिर उन्हें प्रमोट करने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। SFI का कहना है कि प्रदेश सरकार अभी तक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जिस वजह से विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है। कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। वहीं प्रदेश में कॉलेज के विद्यार्थियों को भी अपने भविष्य की चिंता अब सताने लगी है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की अभी तक सरकार द्वारा ना तो परीक्षा करवाई गई है और न ही उन्हें प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है। इसी समस्या को लेकर छात्र संगठन SFI ने बुधवार को शिमला में उच्च शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। SFI के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन 5 माह से छात्रों के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला नहीं ले पाई है, जबकि कई राज्यों में विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए शीघ्र ही कोई फैसला लेना चाहिए। आज SFI का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा निदेशक से मिला, जिसके माध्यम से हमने मांग की है निदेशक महोदय से कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 5 महीनों से जो स्टूडेंट UG क्लासेस के अंदर फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको लेकर अभी तक कोई फैसला ना तो सरकार ले पाई है और ना ही हिमाचल प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है उसने कोई उसके ऊपर फैसला लिया है। अभी तक छात्र असमंजस में है कि उनकी परीक्षाएं होनी है या उनको प्रमोट करना है। हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात हम करें, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उन तमाम राज्यों के अंदर जो छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते छात्र जो है असमंजस के अंदर है और ना ही उनका जो है अगला सेशन के अंदर पढ़ाई अभी तक पूरी शुरू हो पाई है, जबकि सरकार की तरफ से आदेश हो चुके हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है शुरू की जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा NIT हमीरपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर केंद्र सरकार के आदेशों के चलते अभी जो है छात्रों की स्कॉलरशिप को बंद किया गया है, और COVID-19 के चलते जो केंद्र सरकार के आदेश है कि वहां पर जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के चलते जो है फंड की कमी होने के कारण जो NIT स्टूडेंट्स है उनकी स्कॉलरशिप फेलोशिप को बंद किया जाएगा, तो SFI मांग कर रही है कि उन तमाम छात्रों की स्कॉलरशिप को फेलोशिप को बहाल किया जाए और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है UG क्लासेस के अंदर उनको प्रमोट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।